नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी NIOS के इस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है द्वितीय भाषा अर्जन, विदेशी भाषा के संदर्भ में। और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर पतंजलि मिश्रा। मैं पत मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार मिश्रा जी। और मैं इस विषय के संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगा मिश्रा जी कि हमारे शिक्षार्थियों को बताएं और हमको बताएं कि द्वितीय भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है। जी, बहुत ही मौलिक प्रश्न है। जब भी हम द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि द्वितीय भाषा अर्जन क्या है। अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन ने जी इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि द्वितीय भाषा अधिग्रहण या अनुक्रमिक भाषा अधिग्रहण पहले से सीखी हुई भाषा के बाद दूसरी भाषा को सीखना है। बहुत स्पष्ट रूप से जो भी हम दूसरी भाषा सीखते हैं, हाँ, मातृभाषा के अलावा या क्षेत्रीय भाषा के अलावा, वो द्वितीय भाषा कहा जाएगा। पहले से सीखी हुई भाषा के बाद दूसरी भाषा सीखना। एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट हुए हैं सूच, तो सूच जी ये कहते हैं कि भाषा अधिग्रहण के लिए जागरूक व्याकरणिक नियमों के व्यापक उपयोग और थकाऊ अभ्यास, जिसे टीडियस ड्रिल कहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि द्वितीय भाषा सीखने के लिए मूल भाषा संस्थागत और सामाजिक भूमिका के रूप में संचार के एक मान्यता प्राप्त माध्यम के रूप में कार्य करती है। और वहीं द्वितीय अथवा विदेशी भाषा बहुभाषिक वातावरण में वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम का कार्य करती है। यह है द्वितीय भाषा का फंक्शन कि किस प्रकार से द्वितीय भाषा काम करती है। चॉम्स्की आप लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि चॉम्स्की एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं। तो जैसे साइकोलिंग्विस्ट आजकल कहते हैं हम लोग, चॉम्स्की ने कहा है कि दूसरी भाषा का शिक्षण पाठ्यचर्या के किसी अन्य विषय के मुकाबले सार्वभौमिक सफलता के सबसे बड़ी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। और कम से कम दैनिक उद्देश्यों के लिए भाषा का सहज और उपयुक्त प्रयोग, इस उपलब्धि को अपनी भाषाओं में हर बच्चा स्कूल जाने से पहले पा लेता है। और राष्ट्रीय फोकस समूह जो कि 2009 में अंग्रेजी शिक्षण को लेकर के जो पोजीशन पेपर जी, है जी, जो NCF से जुड़ा, हाँ, NCF से नहीं, जो NCERT ने जिसे पब्लिश किया हुआ है, पोजीशन पेपर जो है, पोजीशन पेपर जो है हालांकि NCF से भी जुड़ा उसको माना जा सकता है। तो उसमें जो है पेज नंबर 4 पे इस बात को कोट भी किया गया है, चॉम्स्की के इस महत्वपूर्ण कथन को। तो इससे हम समझ सकते हैं कि द्वितीय भाषा अर्जन की महत्ता क्या है। और चॉम्स्की के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनको हम जानते हैं, जीन पियाजे। बीएड में, एमएड में हम सब लोग परिचित होते हैं, डीएलएड में भी जीन पियाजे की चर्चा बहुत ज्यादा है हमारे विद्यार्थियों के समक्ष, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। तो जीन पियाजे ने जन्मजात भाषिक क्षमता वाली संकल्पना से सहमत नहीं हुए और उन्होंने ये कहा, उनका दृष्टिकोण जो था वो निर्माणवादी दृष्टिकोण था। और इस दृष्टिकोण के अनुसार सभी ज्ञान तंत्र, जिसे नॉलेज सिस्टम कहते हैं, संवेदी प्रेरक यंत्र रचना, जिसे अंग्रेजी में हम लोग सेंसरी मोटर मैकेनिज्म कहते हैं, के माध्यम से निर्मित होते हैं, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं, जैसे कि हम स्कीमेटा कहते हैं, का निर्माण करते हैं। और इस बात को भी राष्ट्रीय फोकस समूह ने भारतीय भाषाओं के शिक्षण के संदर्भ में अपने पोजीशन पेपर में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो चॉम्स्की और जीन पियाजे दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं द्वितीय भाषा अर्जन की संकल्पना में अपना योगदान देते हैं। अब बात यह उठती है कि द्वितीय भाषा कैसे सीखी जाती है, जो आपका प्रश्न है जी, और इसका अध्ययन क्या स्पष्ट करता है, इसके अध्ययन से क्या समझ में आता है। तो एक द्वितीय भाषा के नियंत्रित समझ के साथ सीखने वाला कैसे एक नई भाषा प्रणाली विकसित करता है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। क्यों द्वितीय भाषा सीखने वाले ज्यादातर शिक्षार्थी अथक प्रयासों के बावजूद भी द्वितीय भाषा में उतनी प्रमीणता हासिल नहीं कर पाते जितनी कि मूल भाषा में रखते हैं, ये तो मूलभूत प्रश्न है। यह भी एक प्रश्न उठता है। और क्यों कुछ शिक्षार्थी एक से अधिक भाषा में मूल भाषा की तरह प्रमीणता प्राप्त कर लेते हैं, कौन सा ऐसा कॉग्निशन का लेवल है जिसकी वजह से वो ये प्राप्त कर, तो ये सब मूलभूत प्रश्न है जिसका हम लोग उत्तर ढूंढते चलेंगे अपने
इस प्रेजेंटेशन में, तो शिक्षार्थी द्वितीय भाषा को सीखने के लिए जिन तकनीकों का प्रयोग करता है वह है मूल भाषा अथवा मातृभाषा के मौजूदा ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में अनुप्रयोग करके। इसके साथ साथ भाषा सीखने संबंधी सामान्य अधिगम व्यूहरचनाओं के निर्माण एवं अनुप्रयोग के द्वारा जी। भाषा की सार्वभौमिक विशेषताओं को अपनाकर, लैंग्वेज एक यूनिवर्सल फेनोमेना है और जो ग्रामर है जिसे यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं, तो उसकी विशेषताओं को अपनाकर और द्वितीय भाषा के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान को बोलचाल की भाषा के रूप में अपनाकर, और इस ऐसा करने में ये जो नवीन प्रक्रियाएं जो वो अपनाता है, इन नवीन प्रक्रियाओं के माध्यम के रूप में कार्य करते हुए शिक्षार्थी के लिए अपनी एक अलग भाषा प्रणाली विकसित करने में मदद तो करती ही है, लेकिन परंपरागत प्रक्रियाएं द्वितीय भाषा ग्रहण में हमेशा ही दिखती है। नवीन तकनीकों के द्वारा जो हम द्वितीय भाषा सीखते हैं उससे परंपरागत तकनीकें जो हैं वो खारिज नहीं हो जाती हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके द्वितीय भाषा को सीखने में सहयोग प्रदान करता है। इसको इस तरीके से भी समझें हम कि शिक्षार्थी द्वितीय भाषा सीखने में संप्रेषण संबंधी कठिनाइयों से निपटने के लिए, जो कम्युनिकेशन में जो परेशानियां आती हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर संप्रेषण रणनीतियों का नियोजित रूप से उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग कम्युनिकेटिव टेक्निक्स कहते हैं। अब इन सब चीज़ों को ये हम लोग जब समझ लेते हैं तो दूसरी तरह की बातें आती हैं कि आखिर द्वितीय भाषा ग्रहण करने में शिक्षार्थी को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से यही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं द्वितीय भाषा अर्जन को। हाँ, ये एक समझने की चीज़ है कि द्वितीय भाषा ग्रहण करने में विद्यार्थियों को कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो द्वितीय भाषा ग्रहण करते समय शिक्षार्थी को जो कारक प्रभावित करते हैं उनकी हम लोग बहुत सूक्ष्म चर्चा करते हुए चलेंगे। एक तो सब लोग जानते हैं और बहुत कॉमन कारण है वैयक्तिक विभिन्नता, जैसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। कई लोगों की लैंग्वेज अडेप्टेबिलिटी बहुत बेहतर होती है, कई लोगों की लैंग्वेज अडेप्टेबिलिटी बहुत बेहतर नहीं होती है। यह आपके आसपास के परिवेश पर भी निर्भर कर सकता है, जो कि निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार के इंसान बनेंगे। दूसरा जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट, जिसे बच्चे के विकास दर के रूप में हम लोग जानते हैं, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। लेवल ऑफ अचीवमेंट, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसका भाषा के विकास पे भी असर, विकास पे असर पड़ता है। कई बार कई बच्चे जो है लैंग्वेज में उतने प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज की वजह से भी ऐसा होता है। तो बालक का विकास की जो दर होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। लेवल ऑफ अचीवमेंट भी है, उसका लेवल ऑफ अचीवमेंट कक्षा में कैसा है इससे भी उसके द्वितीय भाषा ग्रहण करने पर अंतर पैदा होता है। और शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक, जैसे हम कॉग्निटिव कहते हैं, भावात्मक जैसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, और सामाजिक पहलू जिसे हम सोशल पहलू कहते हैं, यदि वो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है और सामाजिक रूप से यदि वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है तो भी उसका लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो प्रभावित होता है। सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से भाषा अच्छे सीखी जा सकती है। ये द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा उसके साथ भी यही लागू होता है कि आप जब ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ की द्वितीय भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जहाँ की द्वितीय भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है, द्वितीय भाषा के प्रयोग शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि उन शब्दों को वो ज़्यादा आसानी से सीख पाएगा, चूँकि वो परिवेश में है। उसके NCF 2005 इस बात पर बल भी देता है कि परिवेश जो है वो महत्वपूर्ण है बच्चे का। जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है उस परिवेश में कुछ लोग कहते भी कि भाषा कक्षा कक्ष में नहीं सिखाई जा सकती, उसके लिए एक परिवेश चाहिए और कक्षा कक्ष के बाहर भी भाषा का शिक्षण चलता रहे। हाँ, भाषा कोई गणित का शिक्षण नहीं है, कोई विज्ञान का शिक्षण नहीं है, हालांकि विज्ञान का शिक्षण भी कक्षा से बाहर होता है, लेकिन आप उसको फॉर्मल सेटिंग में चीजों को समझाते हैं, जबकि भाषा तो लगातार सीखते रहने का नाम है। लगातार कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस भाषा में बिल्कुल परिपूर्ण हो गया हूँ, क्योंकि नए नए को सीखने का क्रम हमेशा जारी रहता है और हम लोग आसपास परिवेश अपने दोस्त मित्रों से, अपने कोलीग से, पीयर ग्रुप से ये सारी चीजें सीखते हैं। डायनेमिक लैंग्वेज, डायनेमिक प्रोसेस जी। इसके अलावा सामान्य निर्धारित कारक जैसे एज, आयु पर भी निर्भर करता है, भाषा अधिगम अभिवृत्ति जिसे हम कहते हैं उस पर भी निर्भर करता है, और कई ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि और प्रभावित करते, जैसे वेरिएबल फैक्टर जैसे कि मोटिवेशन, अभिप्रेरण या नीड, आपको उस लैंग्वेज की द्वितीय भाषा की नीड कितनी है। ये अभिप्रेरणा तो मुझे लगता है कि
सीखने की सामान प्रक्रिया का मुख्य तत्व मुख्य तत्व है। भाषा भी सीखने के लिए भाषा पर भी वो लागू होता है, आवश्यकता उसको नीड कितनी है और सिखाने वाला उसको कैसे सिखा रहा है, कैसे पुनर्बलन दे रहा है, कैसे रीइन्फोर्स कर रहा है, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अधिगम शैली जो है वो लर्निंग स्टाइल, जैसे अध्ययन संबंधी उसकी आदतें क्या हैं, स्टडी रिलेटेड हैबिट्स क्या हैं, कैसे वो ज़्यादा बेहतर सीखता है, डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से सीखता है कि ड्रिल के माध्यम से सीखता है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा जो हम थोड़ा सा बात करेंगे उसके कॉग्निटिव स्टाइल पे, संज्ञानात्मक शैली पे, जैसे कि कोई शिक्षार्थी का स्तर जो है इस बात से पता चलता है कि वो ज्ञान कैसे ग्रहण करता है और कैसे अवधारणा बनाता है, कैसे प्राप्त ज्ञान को संगठित करता है और कैसे उसे याद रख पाता है, तो यह कॉग्निटिव स्टाइल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है द्वितीय भाषा के अर्जन में। और अधिगम वातावरण, जैसे कक्षा कक्ष का संगठन कैसा है, कक्षा की स्थिति कैसी है, शांत है कि भीड़ भरी क्लास है, बिल्कुल ओवर क्राउडेड क्लास है, कि 10 बच्चे हैं, कि एक ही साथ 100 बच्चे सीख रहे हैं। ये मानना है कि द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा का अर्जन अगर जो शिक्षण होता है उसमें बड़ी क्लास में थोड़ा कठिन थोड़ा सा प्रभावित होता है लर्निंग, और बालकों की संख्या कितनी है ये बहुत एक बार निर्धारित करता है। उपलब्ध अधिगम सहायक सामग्री आदि आपके पास क्या है, क्योंकि हम लोग यह बात ठीक तरीके से जानते हैं कि अधिगम तभी होता है जब वो भाषा का अधिगम विशेषकर तभी हो पाता है जब हम इससे उसके मल्टी सेंसेस को प्रभावित करते हैं। जब तक मल्टी सेंसेस प्रभावित नहीं होते हैं तब तक यह अधिगम ठीक तरीके से नहीं हो पाता। और इस अधिगम को करने के लिए द्वितीय भाषा के लिए कुछ रणनीतियाँ महत्वपूर्ण। जी मिश्रा जी, मैं चाहूँगा कि आप इन रणनीतियों पर प्रकाश डालें, कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं जिनके माध्यम से बच्चे द्वितीय भाषा का अर्जन कर सकते हैं। रणनीतियाँ भी महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब, और रणनीतियों के साथ साथ उसका प्राकृतिक क्रम क्या है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक क्रम क्या है ये? हाँ, ये मैं उस पर एक एक करके हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। चेस्टरफील्ड एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने द्वितीय भाषा के विकास की रणनीतियों का प्राकृतिक क्रम चिन्हित किया है जी। और चिन्हित करने के प्रक्रिया में पहली बात जो कहते हैं वो कहते हैं पुनरावृत्ति, जिसे रेपिटिशन हम लोग कहते हैं। तो जैसे किसी शब्द या ढांचे की नकल करना, किसी बच्चे को कोई शब्द आपको सिखाना है तो उसको कहा जाएगा आप रिपीट करिए, याद करना जिसे मेमोराइजेशन कहते हैं। जैसे गीत, कविताएं, श्लोक, यदि आप संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में या अंग्रेजी में भी कपलेट्स जो हैं उनको याद करा रहे हैं, तो मेमोराइजेशन भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। ये जो रिपीटिशन है ये मेंटल रिहर्सल कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो रिपीटिशन के बाद मेमोराइजेशन का क्रम आता है, और उसके बाद सूत्रबद्ध अभिव्यक्ति, जिसे हम लोग फॉर्म्यूलेइक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चरल मेथड में अंग्रेजी सिखाते वक्त आप देखते हैं कि एक फार्मूला बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू आप किसी को सिखाते हैं। जैसे शब्द या वाक्यांश जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं उनको सिखाना, या कई बार हम लोग अंग्रेजी सिखाते वक्त अभिवादन सिखाने के लिए हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, टेंस और काल सिखाने के लिए हम उसमें फार्मूला बना देते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू डज और वाज वर्ब आएगा, ऐसे स्ट्रक्चर बना के। ये तो एक उदाहरण है ही, इसके अलावा भी जैसे अभिवादन हम सिखाते हैं तो हम ये नहीं सिखाते मॉर्निंग गुड, हम सिखाते हैं उसको गुड मॉर्निंग जी। तो एक क्रम है, उसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है जी, जी। कि वो सीख जाता है कि गुड मॉर्निंग ही बोलना है, गुड नाइट ही बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, तो ये एक क्रम हो सकता है महत्वपूर्ण। इसके अलावा मौखिक ध्यान के तरीके, जैसे वर्बल अटेंशन जेस्चर्स कहते हैं, जैसे भाषा जिससे अंतःक्रिया को प्रारंभ किया जा सके, ये भी महत्वपूर्ण है। एक सुर में जवाब देना बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, छोटे बच्चे जो है जब आप आंसरिंग इन यूनिसन करते हैं, जैसे कि सामूहिक अनुक्रिया आप जब करवाते हैं तो बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन में और जोर से उसको बोलते हैं। तो इसके अलावा स्वयं से बात करना, टॉकिंग टू सेल्फ, जैसे एकालाप करना जिसे मोनोलॉग हम लोग कहते हैं, आप यह भी प्रेरित करते हैं कि आप स्वयं से बात करो उसी भाषा में, द्वितीय भाषा में, तो यह भी एक रणनीति, बेहतर रणनीति हो सकती है। इसके अलावा विस्तार, जैसे एलाबोरेशन कहते हैं, जैसे आवश्यक सूचना से परे भी अतिरिक्त सूचना देना, और उसको इस बात हेतु प्रेरित करना कि जितनी बात बतानी है इसको और आप एलाबोरेट करके बताओ, तो वो नए नए शब्द ढूंढता है, नए नए स्ट्रक्चर ढूंढता है और ढूंढ के वह उत्तर देता है। इसके अलावा प्रत्याशित उत्तर, जैसे एंटिसिपेटरी आंसर्स कहते हैं, जैसे अन्य के द्वारा लिखे गए अधूरे वाक्यांशों को पूरा करवाना, आपने कहीं वर्ब छोड़ दिया, आपने कहीं हेल्पिंग वर्ब छोड़ दिया और उसे कहा कि आप
उसको पूरा करो, तो इससे उस वाक्यांशों को वो सीख पाता है और ग्रामर के, व्याकरण के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझ पाता है। अभी हमारे जो जो बोर्ड हैं विभिन्न राज्यों के, उन्होंने एक वर्कबुक भी भाषा द्वितीय भाषा में जोड़ दी है, तो उसमें बहुत सारे एंटिसिपेटरी आंसर्स और इनका स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा निगरानी या जांच, जैसे मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे स्वयं की ही गलतियों को सुधारने का प्रयास करना, कहा जाता है कि आपने ये गलती की है और आप खुद से इसको करेक्ट करिए, मदद के लिए आग्रह करना, अपील फॉर असिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं, तो इन सब चीज़ों के द्वारा, इसके अलावा भी स्पष्टीकरण के अनुरोध जिसे रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन कहते हैं, जैसे वक्ता से स्पष्ट करने अथवा पुनरावृत्ति करने के लिए कहना, किसी ने कोई त्रुटि की तो उसे कहा कि प्लीज़ क्लैरिफाई दिस, या आप इसको स्पष्ट करें, आपने जो बात कही है उसको एक बार और कहें, आप सबने सुना नहीं क्लास में, तो यह भी एक तरीका अध्यापक इस्तेमाल करता है बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी होशियारी से, कि उसको यह भी भान न हो कि उसने कोई त्रुटि की है, और जब वो दोबारा बोलता है बच्चा तो सामान्यतया वो समझ जाता है कि मैंने कहीं गलती की है और वो खुद ही करेक्ट करके उसको रख पाता है आप सबके सामने। इसके अलावा भूमिका अदा करना एक महत्वपूर्ण टेक्निक है, और रोल प्लेइंग जिसे हम कहते हैं, इससे बच्चे बहुत रोचक तरीके से वो सीखते हैं, जैसे आपने यदि बच्चों के लिए रोमियो जूलियट या कुछ छोटा सा प्ले आयोजित किया, ये टेक्निक भी है हमारे द्वितीय भाषा शिक्षण की एक महत्वपूर्ण टेक्निक है, ड्रामा या रोल प्लेइंग। ड्रामा और रोल प्लेइंग, तो रोल प्लेइंग के द्वारा भी, अभिनय के द्वारा भी, या किसी की मिमिक्री करा के आप कहें कि आप कैसे ट्रंप बोलता है या कैसे ऑस्ट्रेलियन रिकी पोंटिंग कैसे बोलता है, तो बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं, तो उसकी नकल भी उतारते हैं, और नकल उतारने के क्रम में दे इम्प्रूव देयर एक्सेंट, दे इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन, अप्रत्यक्ष रूप से भाषा शिक्षण भी हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से भाषा शिक्षण हो जाता है। तो ये है सारी रणनीतियाँ, 12 रणनीतियाँ हमने आपके सामने बताई, और इनको इसी क्रम में यदि प्रैक्टिस किया जाए तो वह ज़्यादा प्रभावी हो पाता है। डॉक्टर साहब, ये रणनीतियों का कोई आधार भी है, जैसे कहेंगे द्वितीय भाषा अर्जन के सिद्धांत क्या क्या हैं, तो उन सिद्धांतों में थोड़ा सा प्रकाश आ जाए। हाँ, सिद्धांत तो हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा व्यूह रचनाओं की चर्चा करूँगा जी, कि कौन कौन सी द्वितीय भाषा अर्जन के लिए व्यूह रचनाएँ कौन कौन सी है, उनके बहुत संक्षेप में करने के बाद मैं सिद्धांतों पर ही आऊँगा। तो इसमें संज्ञानात्मक व्यूह रचना है जिसे कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज कहते हैं, ये पूर्व ज्ञान के संबंध में नए संप्रत्ययों को खोजने की मदद करती है, जो प्रीवियस नॉलेज है उससे जोड़कर नए संप्रत्यय खोजने में मदद करती है। इसके अलावा अधिसंज्ञानात्मक व्यूह रचनाएं हैं जिसे हम लोग मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज कहते हैं, और मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज के थ्रू ये दूसरी भाषा के प्रभावी अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत समय सारणी के आयोजन के साथ साथ नए संप्रत्यय को खोजने में मदद करता है। इसके अलावा सामाजिक व्यूह रचनाएं हैं जिसे सोशल स्ट्रैटेजीज कहते हैं, यह भाषा के मौलिक वक्ताओं के साथ बातचीत करने के अवसर तलाशने में सहायता करती है, जैसे कि यदि कोई जिसका मदर टंग यदि इंग्लिश है, कोई इंग्लिश सीख रहा है, या कोई फ्रेंच सीख रहा है जिसका मदर टंग फ्रेंच है, तो उससे जब वो बातचीत करता है तो वो भाषा की बारीकियों को सीख लेता है। इसके बाद आपने जो प्रश्न पूछा है कि द्वितीय भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एक क्रैशन महोदय हुए हैं लिंग्विस्ट, तो क्रैशन महोदय ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ मामलों में जहां अंग्रेजी एक विदेशी भाषा होने के बावजूद व्याकरण मूल्यों पर शिक्षार्थी के चेतन मन को जागरूक करने में कुछ सीमा तक सहायक होती है, और यह बात जो है भारतीय भाषाओं के लिए जो शिक्षण नाम का पोजीशन पेपर है उसमें कोट भी किया गया है, तो इससे आप इसके महत्ता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण कोटेशन है। पेज नंबर 11 पे इसका जिक्र आता है, और यह भी कहा जाता है कि द्वितीय भाषा का अर्जन किन किन सिद्धांतों पर आधारित है और क्या क्या सिद्धांत हैं उसके, उसको एक एक करके सिद्धांतों को हम लोग लेते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे कि द्वितीय भाषा अर्जन के सिद्धांत जो हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला सिद्धांत है सार्वभौमिक सिद्धांत। यह सिद्धांत दो परिप्रेक्ष्यों में भाषाई सार्वभौमिकता को परिभाषित करता है। पहला, प्रदत्त चालित परिप्रेक्ष्य, प्रदत्त जिसे डेटा हम लोग कहते हैं, जो भाषाओं की सतही विशेषताओं को यह जानने के लिए देखता है कि भाषाओं में कैसे भिन्नता है और किस प्रकार के सिद्धांत इस भिन्नता से उत्पन्न होते हैं। प्रदत्त चालित परिप्रेक्ष्य भाषाई तंत्र को बाह्य कारक एवं निवेश जैसे कि इनपुट कहते हैं उसका आधार मानता है। तो ये पहला इसका परिप्रेक्ष्य है, और इस परिप्रेक्ष्य में भाषा के प्रकार, भाषाओं में मौजूद पैटर्न, जो पैटर्न मौजूद हैं, जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं,
सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, इस तरह के पैटर्न को और मानव भाषाओं में कैसे अन्य अन्य भाषाओं में ये भिन्न भिन्न है को सीखने पर, को समझने पर जोर देता है। और इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा आम बातों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे विषय, क्रिया, प्रयोज्य, जिसे मैं बता रहा था, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, उन सब पे ध्यान केंद्रित करती है। और यह परिप्रेक्ष्य भाषा के सार्वभौमिक गुणों को संदर्भित करता है, जैसे स्वर, जैसे कि क्योंकि सभी भाषाओं में स्वर हैं, तो जो उसके सार्वभौमिक गुण हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं, उसके सार्वभौमिक गुणों को एक एक करके आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है उन तमाम चीज़ों को जो कि एक भाषा से दूसरी भाषा में कॉमन है, एक भाषा से दूसरी भाषा में भी मौजूद हैं, उनको सीखने और समझने की कोशिश करता है। दूसरा जो है इसका सिद्धांत जो है वो सिद्धांत चालित परिप्रेक्ष्य है, जिसे थियरी ड्रिवन अप्रोच कहते हैं, जो व्याकरण के अत्यधिक मूर्त सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए भाषा के गुणों का गहन विश्लेषण करता है। भाषा जिसे हम लोग लिंग्विस्टिक अप्रोच कह सकते हैं, जो कि थियरी ड्रिवन होता है, वो प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे बेस्ड नहीं होता है, और इसके लिए वह भाषा का डिसेक्शन करता है, भाषा के अंदर छुपी हुई व्याकरणिक गुण दोषों को समझ विकसित करने का काम करता है, और इस प्रकार से उस तंत्र को संज्ञानात्मक और भाषाई प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी आंतरिक कारक मानता है। और इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार मानव मस्तिष्क के कुछ सिद्धांत जैविक रूप से पहले से ही निर्धारित हैं, अतः भाषा स्वाभाविक या जन्मजात तरीके से हासिल होती है, और यह परिप्रेक्ष्य सार्वभौमिक व्याकरण को मस्तिष्क के एक हिस्से के रूप में देखता है। वह कहता है कि सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर जो है, वह मस्तिष्क के एक डोमेन पे निर्भर करता है, और इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार मस्तिष्क में सिद्धांत और शर्तों के समूह उपस्थित होते हैं, जहां भाषा का ज्ञान विकसित होता है। यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है, ये लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट ना होके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें, कि हमारा ब्रेन इस तरीके से हार्ड वायर्ड है कि वो भाषा का एक ग्रामर जो है वो समझने के लिए इक्विप्ड है, शायद एनिमल ब्रेन्स इस तरीके से इक्विप्ड नहीं हो। दूसरा सिद्धांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह है व्यवहारवादी सिद्धांत। 1950 के दशक में व्यवहारवादी सिद्धांत ने मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों को प्रभावित किया और दोनों पर प्रभुत्व स्थापित किया। यह सिद्धांत बताता है कि बाहरी उद्दीपक आंतरिक प्रतिक्रिया को प्राप्त कर सकता है और बदले में आंतरिक उद्दीपक को परिवर्तित कर सकता है, जो कि बाहरी प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है। यही व्यवहारवाद का मूल सिद्धांत भी है, आप जानते हैं। और अधिगम या सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या सिद्धांतवादियों द्वारा उत्तेजना प्रतिक्रिया पुरस्कार, जिसे हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिवार्ड कहते हैं, और श्रृंखलाओं के रूप में इसी स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिवार्ड के रूप में इसको किया। और यह श्रृंखला क्रम जो है वह पर्यावरण की प्रकृति और सीखने वाले विद्यार्थी की प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम देखते हैं कि पर्यावरण की प्रकृति कैसी है और विद्यार्थी जो सीख रहा है वो उसके लिए ठीक तरीके से तैयार है कि नहीं तैयार है, तो इस पर निर्भर करता है। अभ्यास का जो सिद्धांत है शायद व्यवहारवाद से ही लिया गया। हाँ, अभ्यास का सिद्धांत की वो रेडीनेस का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, ये सारे इसके पक्ष हैं। जो ड्रिल कराते हैं हम लैंग्वेज, हाँ, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का वह एक प्रोसेस बन जाता है। अगला सिद्धांत जो है वह है सहज ज्ञानवादी सिद्धांत, जिसे हम लोग नेटिविस्ट अप्रोच कहते हैं। सहज ज्ञानवादी सिद्धांत जो है, जिसे नेटिविस्ट अप्रोच कहते हैं, इसके अनुसार व्यक्ति में भाषा सीखने की स्वाभाविक एवं जन्मजात क्षमताएं होती हैं। इननेट कैपेसिटी है लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज ग्रहण करना जो है वो इननेट कैपेसिटी है। चॉम्स्की जो है इसके प्रखर प्रवर्तक हैं और चॉम्स्की इस बात पे बल देते हैं। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा सीखने संबंधित, ये महत्वपूर्ण है और मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि इसको ध्यान से देखें कि क्या है ये। इस सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा सीखने संबंधी अंतर्निर्मित जैविक उपकरणों एवं क्षमताओं के साथ ही जन्म लेता है। उसके अंदर खुद ही हार्ड वायर्ड है, वो इस तरीके से है कि वो बायोलॉजिकली वो इस तरीके से इक्विप्ड है कि वह भाषा सीखने की क्षमता जो है वो इंटरनलाइज है उसके अंदर। उसके लिए कुछ उसे एफर्ट
बहुत ज़्यादा नहीं करना है, एफर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला जुला के उसका ब्रेन जो है उसके साथ ही इक्विप्ड है। और चॉम्स्की, आपने पहले ही नाम ले लिया कि चॉम्स्की ने स्वयं भाषा के स्वाभाविक गुणों के अस्तित्व का दावा किया, जो कि भाषा के नियमों की अधिकता के बावजूद कम समय में बच्चे के स्वयं की मूल भाषा की महारत की व्याख्या करते हैं। आप बताइए, एक दो साल का, एक तीन साल का बच्चा वो भाषा सीख जाता है और भाषा में कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये इननेट कैपेसिटी। हम प्रौढ़ लोग दो तीन साल में एक भाषा नहीं सीख पाते, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इननेट कैपेसिटी है ये, कि आप एक उम्र तक यदि आसपास का वातावरण उस प्रकार की भाषा सीखने के लिए सहयोगी है तो आप बहुत आसानी से सीख जाते हैं। और चॉम्स्की के अनुसार यह भी है कि सहज ज्ञान जो है एक छोटे ब्लैक बॉक्स में बंद है, जिसे वो भाषा अधिग्रहण युक्ति कहता है, LAD बहुत पॉपुलर है, LAD कहता है। और इसकी चर्चा जो है नोआम चॉम्स्की ने 1965 में एक पुस्तक लिखी थी, एस्पेक्ट ऑफ द थियोरी ऑफ सिंटेटिक्स, जो कि MIT से पब्लिश हुई थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से। उसमें इन सब बातों की प्रमुख रूप से, कोई यदि इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहता है तो चॉम्स्की के उस मूल पुस्तक को देख सकता है और पढ़ सकता है। अब सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि मानव में तर्क संगत चिंतन विकसित करने की स्वाभाविक व जन्मजात क्षमता पाई जाती है। लॉजिकल थिंकिंग की क्षमता जो है वो जन्मजात, संक्षेप में अब मैं इसको समराइज करूंगा। और यह विचारधारा जीन पियाजे के विचारों पर आधारित है। जीन पियाजे का मत है कि तर्कपूर्ण चिंतन, जिसे हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, भाषाई और गैर भाषाई दोनों प्रकार के विकास के लिए आवश्यक अंतर्निहित कारक हैं। और हम आगे जब बढ़ते हैं तो एक और सिद्धांत आता है, जिसे हम सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और यह सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि भाषा का विकास बालक और उसके परिवेश, घर परिवार, समुदाय, समाज, क्षेत्र, राष्ट्र आदि के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम है। जब वो अंतःक्रिया सोसाइटी में करता है तो वह भाषा सीखता है, इस सिद्धांत पर यह बल देता है। और सामाजिक अंतःक्रियावादी मानते हैं कि भाषा सामाजिक भूमिका के दौरान उत्पन्न होती है, जो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनती है। तो सोशल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवेश व वातावरण भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और परिवेश के वयस्क, जो कि एडल्ट जिसे हम कहते हैं, भाषा अर्जन करने के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं जिन्हें हम वायगोत्स्की के नाम से जानते हैं। वायगोत्स्की ने भी इसकी चर्चा की है और कहा है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। और साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है, पहली आत्मकेंद्रित और दूसरी सामाजिक। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से वह खुद से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। इस प्रकार से सोशल इंटरेक्शन थियरी जो है, यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। और यह एक संक्षेप में मैंने बहुत सामान्य तरीके से इन सिद्धांतों की चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी।